अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खुशियाँ अता फ़रमाए, कामयाबियाँ अता फ़रमाए। मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। दिन भर आप मेरे साथ रहें, जो भी मेरी रूटीन होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं बहन के घर हूँ, तो आपसे करती रहूँगी बातें। विजिट करते हैं दरख्तों का, क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ। मैं फूलों की कोई बेल वो लगी हुई है, ये पता किस चीज़ का इसके साथ लगी हुई है किन्नू। माशाल्लाह ये देखें, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये चाइनीज़ फ्रूट का दरख्त है, ये भी खूब भरा हुआ होता है। अभी भी देखें, ये देखें, ये भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये फुल हुआ होता है। नीचे तक ये लगे हुए हैं, ये भी वही दरख्त है चाइनीज़, वो या वो या ये भी। इसके साथ इस दफ़ा कुछ भी कम लग रही है, हाँ ये लगे इधर ऊपर ऊपर है इधर, पानी का दरख्त है। ये पता नहीं कैसी अमरूद है, ये अमरूद भी लगे हैं यहाँ जी। फ्रूट सारा ही तकरीबन लगा हुआ है, अमरूद इस दफ़ा अमरूद भी हैं जी, अमरूद भी खाएंगे। इनको ऑर्डर दे के जाऊँगी मेरे ऐसे की, ये मैं है एप्पल है क्यों नहीं खुबानी है। ये जी अखरोट है, इसको काट लिया था उन्होंने काफ़ी, इसकी टहनियाँ बहुत पहले फैली हुई थी, अब कम हो गई हैं। ये जी अंगूर की बेल, जिसके साथ से रात को अंगूर उतारे थे, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आपको दिखाऊंगी। अभी भी इसके साथ लगे हुए हैं अंगूर काफ़ी सारे, थोड़ी सी रात कल शाम को बनाई थी फिर मैंने वीडियो बनाई थी इसके साथ, अभी भी काफ़ी अंगूर है कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी हैं डंडार वगैरह जो होते हैं, क्या काकरोच नहीं काकरोच तो नहीं इसको कहते हैं, इसको चोर कहते हैं। ये खुबानी का दरख्त है, ये भी किसी चीज़ का नींबू शिम्बू है क्या है पता नहीं, साथ लगा हान रखे हुए नींबू छोटे छोटे। हाँ जी इस तरफ देखते हैं, अंजीर का दरख्त था और साथ ही जैतून लगाए हुए हैं। जैतून का पौधा तो अभी छोटा है, बड़ा होते होते टाइम लगेगा, अपनी ज़िंदगी भी रहेगी कि नहीं हमारी जैतून देखने के लिए। इसके साथ ये जैतून का पौधा है और ये अंजीर है जी, अंजीर ये देखें, इसको तो मैं तोड़ रही हूँ, नरम है पकी हुई है।
अंजीर देखें। कोई बड़ी है कोई छोटी है, ओए ओए भीड़ भी है यहाँ पे। काटी नले ना मुँह सूजा हुआ हो मेरा अंजीर खाते खाते। काफ़ी हैं ये दो मेरे लिए फ़िलहाल, इनको टेस्ट करेंगे। चलते हैं उस तरफ ही वापस, बैक साइड है ये। इसके साथ भी खूब मोटी खुबानी लगती है, इस दफ़ा थोड़ी लगी थी, लेकिन ये कि एक दो मैंने खाई थी मेरे इसमें आ गई थी। ये अंगूर इसके साथ अभी भी कह रहे हैं बहुत है अंगूर, लेकिन वही बेड़ हो रही है, सारी चीज़ें इनके ऊपर पहुंची हुई होती हैं। ये अंजीर में तोड़ के लाई हूँ, नहीं है ना कीड़ा इसमें, अभी मैं इसको टेस्ट करूँगी। ज़बरदस्त मीठी है, एक आदत ये इसको खाऊंगी, बहुत मीठी है मज़े की। हाँ जी, घर की बेल से और अंगूर उतरे हैं मानसेरा में, जहाँ मैं आई हुई हूँ बहन के घर। मज़े के मीठे मीठे अंगूर बिनोई मेरे ने उतारे हैं। हाँ जी, ये घर का अंगूर है, मज़ेदार मीठा, जिसको चाहिए आ जाए। कुछ तो दे ही देंगे। टी टाइम हो गया है, हम चाय पी रहे हैं अभी। हमारी बिल्ली बिल्ला भी घूम रहा है इधर, तो अभी ये बाहर से घूम फिर के आया है अंदर। तो अदन आ जाओ, फूफो ने आपके लिए ये बनाए हैं। क्या वो है ना, ये लाते हैं बस, ये आप ही खा के देते हैं। ओ पीछे हो, पीछे पीछे, ज़्यादा फ्री होने की जरूरत, अपना फूड खाओ जाके। आपको तो मैंने नहीं कहा कि आके खाएं। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। हाँ जाओ अपनी मामा के पास। अदन आप नहीं खा रही हो, गरम ठंडे ठंडे, इसको खोलो, इसमें डालो जरा से। वो भी मैं ही डालूं, अब मैं मोबाइल यूज़ करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, या फिर सी फूफो को बुलाओ ना। सी फूफो दादू बुला रही है, दादू कह रही है दूल्हन भाई नहीं आ रही। नाराज होके बैठ गई है जी, चुप हो गए, कितनी शरीफ बिल्ली है। आपका किस कभी ऐसी बिल्ली से वास्ता पड़ा है जो डांटने से चुप होके आराम से बैठ जाए, आगे से बोले भी ना? बहुत कम ऐसे होते हैं।
गरम गरम मजे के मतलब मुंह भी सड़े, मज़ा ही इस चीज़ का आता है ना। आओ लो देख हाँ जी, इधर क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ हुआ है, इवनिंग मैच है ये, तो डे एंड नाइट वाला मैच है। अभी लाइट है तो अभी खेल रहे हैं खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी वापस आ गए हैं थक त्रुट के और कुछ आउट हो गए हैं। एक खिलाड़ी बाकी है, गेंद के लिए गया है, पता नहीं किधर गया है। तो दूसरे खिलाड़ी ने बैट पकड़ लिया है जी, अब देखें क्या होता है। तो अदन उधर अबरार माँ अंकल भी आ रहे हैं, मुझे दे दो तो जी। अब नया प्लेयर आ गया है जी, फील्डर भी खड़े हैं, बॉलर नया बॉलर आ गया है। आगे जो बैट्समैन है वो ज़रा स्लो, वो कुछ सुस्त सा लग रहा है मुझे, पता नहीं कैसे खेलेगा। ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है इस वक्त, अंदर तो बहुत गर्मी थी, मैं अभी बाहर आई हूँ। बाहर मौसम बना हुआ है बारिश का, कि अब तक रात को लग जाए। इधर बारिश फिलहाल तो नहीं है, हवा है ठंडी मज़े की फ्रेश। ये जो बैटमैन खड़ा है हमारा ना, ये कुछ सोचता है, इसको ऐसे ही टीम में इन्होंने रख लिया है, किसी काम का नहीं है ये वैसे। जी बॉलिंग हो रही है, आ गया ये बॉल, वाह जी गुड शॉट। इसको क्या आप दोगे, कितने रन हैं ये? चार रन हैं, चलें जी सही है, कुछ तो उन्होंने बनाया है स्कोर, वाह जी। अब कुछ शर्म सी, थोड़ी सी शर्म आ गई है खिलाड़ी को, आगे से हिट्स लगा रहे। हाँ हमारा विकेट कीपर भी जी खड़ा है, ज़रा पीछे होके खड़ा है बेचारा, बड़ा शरीफ से। तो फील्डिंग के लिए जाओ ना आप, क्यों इधर खड़ी हो? मुझे नहीं लाया करें बीच में, इसको नहीं लाया करें। नया बॉलर आया है जी, नए बॉलर को बड़ी शर्म आती है जी, ये कहता है मुझे वो मैं ना लाए, उसमें फील्डर भी खड़े हैं हमारे, और आपने अगर लेस खाने हैं तो लेस खूबसूरत हाथों से खाएं, अपने खूबसूरत हाथों से, इन खूबसूरत हाथों से ना खिलाएं खाएं। इसके साथ ही बहन भाइयों मैं इजाज़त चाहूँगी, मैच काफ़ी लंबा है, इतनी देर तक मैं कमेंट्री नहीं कर सकती। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह मियाँ के हिफ्ज़ो अमान में रहें, और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, दोस्तों में भी शेयर किया करें, और नए आने वाले सब्सक्राइब भी किया करें, मुझे इसी तावन की आपसे ज़रूरत है। तो इजाज़त दें, कल किसी नई बात के साथ आपके साथ होगी मुलाकात इंशाल्लाह। लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ अल्लाह हाफिज़।